हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग लेमन ग्रास का चाय बना के दिखाएंगे। ये देखिए, ये वाला जो नेल कटर है, वो नेल कटर में जो चाकू रहता है वो चाकू से हम लोग लेमन ग्रास का पत्ता तोड़ लेंगे। चलिए लेमन ग्रास का पत्ता तोड़ लेता हूँ। और सुनिए, ये लेमन ग्रास पीने से वेट कम होता है, बीपी प्रेशर ठीक ठाक रहता है, बहुत कुछ फ़ायदा रहता है इसमें। चलिए हम लोग इसको पहले काट लेता हूँ। ये देखिए, नीचे से काट लेंगे। आप लोगों का घर पे लेमन ग्रास का पौधा है क्या नहीं पता नहीं है, लेकिन ये पौधा मार्केट में मिलता है, अमेज़ॉन पे मिलता है, तो आप लोग खरीद कर सकता है। ये पौधा बहुत फ़ायदेमंद है। आप एवरीडे सुबह शाम इसका चाय पीजिएगा तो आपका वेट लॉस ज़रूर होगा। आप इसको मेंटेन करिएगा, ये पीजिएगा, और थोड़ा डाइटिंग करिएगा, और थोड़ा सा वार्म अप करिएगा बस। ये देखिए आपका वाइट वाला जो तुलसी। चलिए, हाथ गंदा हो गया, कोई बात नहीं है, धो लेंगे इसको ले जाके। ये वाइट वाला जो तुलसी है, वही वाला तुलसी। और ये देखिए, लेमन ग्रास का पत्ती भी हमारा हाथ में रखा है। ये वाइट वाला तुलसी आपको सबको पहचान में आ गया होगा, यही है। इसको राधा तुलसी बोलता है शायद, कन्फर्म हमको पता नहीं है। और एक तो ब्लैक वाला तुलसी, ये देखिए, इसको तो कृष्णा तुलसी बोलता है, ये पता है। ये जो ब्लैक वाला तुलसी, ये दोनों तुलसी ले लिया है। ये सर्दी काशी होने से आपको उससे फ़ायदा करेगा, ये वाला तुलसी। ये तुलसी भी अच्छा है, इसको भी लीजिएगा। चलिए, ये तो तोड़ लिया, अभी चलिए कैसे बनाते हैं आप लोगों को दिखाता हूँ। चलिए, हम तो रूम पे आ गया है, अभी चलिए इसको अच्छा से धो लेते हैं। ये जो तुलसी है, ये तुलसी को अच्छा से धो लेता हूँ। और लेमन ग्रास का जो पौधा है उसको भी धो लेंगे अच्छा से, क्योंकि नहीं धोने से जो मिट्टी है वो मिट्टी लग जाएगा और चाय में चला जाएगा, तो अच्छा नहीं लगेगा चाय में। वो अच्छा से धो के चलिए उसको साफ़ करके रख देता हूँ। ये लेमन ग्रास आप ऐसा एक चीज़ है, ये है आयुर्वेदिक एक पौधा, इसमें बहुत गुण है। आप देखिए, ये ब्लैक वाला तुलसी है और ये वाइट वाला तुलसी, ये दोनों को पहचान में आपको शायद आ गया होगा। ये देखिए, चलिए इसको रख देता हूँ, अभी अच्छा से इसको धो लेता हूँ। हम तो इतना थोड़ा सा पानी लेके धोया हुआ आप लोगों को दिखाने के लिए, फिर हम अच्छा से धो लेंगे इसको। चलिए इसको धो के उठा लेता हूँ। ये जो है अदरक, ये अदरक को भी आप लोग डालिएगा। अदरक क्या करता है तो शरीर को थोड़ा गर्म करता है, और खांसी जुकाम रहने से इसका थोड़ा सा हेल्प करता है। अब ये चाय पत्ती को देखिए, आप लोग सुखा के भी रख सकता है। हम देखिए इसको सुखा के रखा है, क्योंकि हम परमानेंट इसका चाय पीते हैं। चलिए देखिए, इसको ऐसे सुखा के रख दीजिएगा, क्योंकि आप एक छोटा सा पौधा लगाइएगा वो बहुत बड़ा पौधा हो जाएगा, तो आपको एक पौधा ख़रीदने के बाद और दूसरा पौधा ख़रीदने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, उसका आजू बाजू से बहुत हो जाता है। चलिए इसको अच्छा से काट लेता हूँ। देखिए, हम इसको काट लिया। चलिए इसको टुकड़ा टुकड़ा कर लेता हूँ। अभी इसका जो चाय है आप लोग पीजिए, आपका शरीर बहुत फिट रहेगा। सुबह शाम दो टाइम पीजिए आराम से, देखिए इसका धीरे धीरे फ़ायदा होता है, उतना जल्दी तो नहीं होगा, ये तो मैजिक नहीं है। तो आप लोग इसका चाय बनाइए, और मेरा वीडियो अच्छा लगने से प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए देखिए, हम लोग इसको अच्छा से छोटा छोटा टुकड़ा करके काट लिया। इसका चाय पीने से आपका जो घुटना में कोई भी जोड़ में जो दर्द होता है वो भी नहीं होगा, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल रहेगा, वेट लॉस होगा, माइंड फ्रेश रहेगा, और सर दर्द होगा तो वो भी कम हो जाएगा। कहीं भी छोटा मोटा जो बीमारी है वो सब में ये काम आएगा, क्योंकि इसके साथ हम लोग तुलसी डाला है, अदरक डाला है। और चलिए, बनाने के टाइम भी हम लोग उसमें नॉर्मल जो चाय पत्ती है वो भी डालेंगे, और ग्रीन टी भी डालेंगे। चलिए इसको बना लेते हैं। एक छोटा सा पतीला लीजिएगा, पतीला में पानी लीजिएगा, देखिए फ्रेश एकदम पानी जो पीने का है वही पानी हम लोग डाल दिया है, पानी लेके उसको डाल दीजिएगा। उसके बाद इसमें आप चाय पत्ती और ग्रीन टी दोनों को ऐड कर दीजिएगा। ये देखिए, ये दोनों को हम लोग ऐड कर दिया,
ऐड करने के बाद हम इसमें डालेंगे वही तुलसी पत्ता, जो कटिंग करके जो रखा है वही वाला सब कुछ हम लोग डाल देंगे। लेमन ग्रास, तुलसी पत्ता और जो अदरक है वो भी इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए, चलिए सब एक साथ तो मिक्स हो गया है। अभी इसको ले जाके आग में चढ़ाएंगे। तो आप लोग भी ऐसे ही करिएगा, और आपका मर्जी है, आप पहले पानी गर्म कर सकता है उसके बाद डाल सकता था। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, चीनी एकदम नहीं डालिएगा। चीनी हो गया, मैदा हो गया, नमक हो गया, जितना भी वाइट चीज़ है वो एकदम नहीं लीजिएगा। शरीर का वज़न घटाना है तो ये वाइट वाला चीज़ को छोड़ना पड़ेगा आप लोगों को। मैं एक थोड़ा डाइटिंग चार्ट आप लोगों के लिए बनाएंगे बाद में, तो आप लोगों को दूंगा, उसमें बहुत फ़ायदा होगा। 15 दिन के अंदर आपका 8 से 9 केजी वज़न घट जाएगा। ये देखिए, चाय तो उबल गया है। अभी चलिए इसको 2 मिनट के लिए ढक देता हूँ। चलिए 2 मिनट तो हो गया है, अभी इसको ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया खुशबू आ रहा है, एकदम पूरा नींबू जैसा आ रहा है। ये चलिए अभी जो नींबू है वो नींबू को भी इसमें निचोड़ देता हूँ। आप नींबू लास्ट में ही निचोड़िएगा, क्योंकि नींबू देने से इसका कलर चेंज हो जाता है, सबको पता है। चलिए नींबू डाल दिया, अभी तो चाय रेडी है। देखिए कलर थोड़ा फीका पड़ गया है। चलिए अभी चाय को डाल लेते हैं फिर पियेंगे। ये देखिए ग्लास रख दिया, अभी चलिए इसमें चाय डाल लेता हूँ। देखिए अभी चाय का कलर कितना बढ़िया है, चाय का कलर देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग पीजिए, आप लोगों को वेट लॉस होगा, और वेट लॉस होने से हमको कमेंट में बताइएगा तो हमारा भी थोड़ा खुश होगा मन, और आप लोगों का भी थोड़ा फ़ायदा होगा। मेरा वीडियो अच्छा लगने से प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना नहीं भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके बाय, फिर मिलेंगे दूसरा वीडियो में।